हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संबंधित है जड़, तना और पत्ती पर। ठीक है, तो आज जड़, तना और पत्ती पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, वह चाहे TGT PGT नीट हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षा हो। तो यहां से बनने वाले प्रश्नों को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि निमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं। निमेटोफोर शब्द है और ये एक प्रकार की परिवर्तित ये जड़ें हैं जो मदद करती हैं। देखिए, इस प्रश्न से पता चल रहा है जो निमेटोफोर्स है ये एक प्रकार की क्या है, परिवर्तित जड़ें हैं। ठीक है, किसमें मदद करती हैं? निमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन, जो किसमें मदद करती हैं, कह रहा है श्वसन में मदद करती हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कि वाष्पोत्सर्जन में, किनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। तो दोस्त देखिए, हम आपको बता दें इस निमेटोफोर्स जो होती हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो निमेटोफोर्स हैं ये क्या हैं, इनको कहा जाता है श्वसन मूल। ठीक है, अर्थात ऐसी जड़ें जो श्वसन में सहायक होती हैं। किसमें? श्वसन में सहायक होती हैं। और मुख्य रूप से ये मैंग्रोव जो ये जड़ें जो होती हैं, कौन सी? निमेटोफोर्स। ये क्या होती हैं कि ये जड़ें मैंग्रोव पौधों के विशेष लक्षण होते हैं। किनके लक्षण होते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स के विशेष लक्षण होते हैं और जो किसमें? श्वसन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये जड़ें दलदल से बाहर खूंटी जैसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? खूंटी जैसी। थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं दोस्त, इसकी संरचना को। और देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है निमेटोफोर किसमें मदद करती हैं दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। किसमें मदद करती हैं? श्वसन में। ठीक है, मदद करती हैं। अब इन जड़ों को थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये जड़ें कैसी दिखती हैं और किसके विशेष लक्षण हैं और इससे संबंधित बात और क्या है। तो देखिए जरा यहां ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो प्लांट्स हैं, देखिए जो दलदली पौधे होते हैं, कौन से पौधे दोस्त? जो दलदली पौधे होते हैं, ये जो वाइबी जड़े हैं दलदल से बाहर खूंटी जैसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? आप ये देख रहे हैं बिल्कुल दलदल से बाहर एक खूंटी सदृश संरचना निकलती है, इसी को कहते हैं निमेटोफोर्स। और इनमें अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं निमेटोफोर्स में। ठीक है, और ये क्या करती हैं कि ये जड़ें हेलोफाइट्स में मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, ठीक है, किसमें? हेलोफाइट्स में। ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसमें पाई जाती हैं? हेलोफाइट्स में। किसमें? हेलोफाइट्स में जो होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की विशेषता प्रदर्शित करती हैं। इसका एग्जाम्पल, ये जो निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ये जो जड़ें पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? जैसे हम आपको बता दें किसमें पाई जाती हैं, जैसे है राइजोफोरा। कौन सा है दोस्त? जैसे राइजोफोरा में पाई जाती हैं। राइजोफोरा हो गया, सोने रसिया हो गया, ठीक है, सोने रसिया हो गया, ये हो गया, ठीक है, कौन सा? सोने रसिया हो गया, राइजोफोरा, सोने रसिया और एविसिनिया। कौन सा? एविसिनिया, इसका भी ये कैरेक्टर्स है, ठीक है, एविसिनिया। ये इनमें क्या पाई जाती है? निमेटोफोर्स पाई जाती है। राइजोफोरा हो गया, सोने रसिया हो गया और एविसिनिया हो गया, इनमें क्या पाए जाते हैं? निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और मैंग्रोव, मैंने बता दिया कि मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनके ये विशेष लक्षण होते हैं, कौन? निमेटोफोर्स। ठीक है, यही जो खूंटी सदृश संरचनाएं हैं बिल्कुल दलदली पौधों से निकल, सॉरी दलदली स्थानों से जो निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं, देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर दो। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दो में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एलियम सीपा एक है। एलियम सीपा का मतलब आप समझ रहे हैं, एलियम सीपा क्या है? प्याज। क्या किसे ये एलियम सीपा क्या है दोस्त? ये है प्याज। ठीक है, कह रहा है एलियम सीपा एक क्या है, कह रहा है ट्यूबर है कि प्रकंद है कि बल्ब है कि घनकंद। ठीक है, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, ठीक है, ऐसा कंद, प्रकंद, घनकंद और इसको सलकंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलकंद कहते हैं। तो ये क्या है जो एलियम सेपा होती है, ये क्या है? ये है बल्ब। क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ये है बल्ब। ठीक है, किस प्रकार का? ये सलकंद कहलाती है। अब आप जानते हैं कि प्याज में बिल्कुल सल्क भी होती है, नीचे क्या होती हैं? जड़ें होती हैं, जड़ें होती हैं दोस्त। अगर इसकी हम बात करें ये कैसी दिखती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए प्याज को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये प्याज है। ठीक है, क्या है ये? देख रहे हैं सल्क, बिल्कुल एक एक सल्क इसकी क्या होती है? निकलती चली जाती है। और इसमें एस्केप, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्केप्स अर्थात जहां से, और अन्य जो है ऐसा स्टेम्स जहां से अन्य पत्ती नहीं निकलती है। तो ये आप देख
रहे हैं कि बिल्कुल एकदम, ये प्याज जो है, ये प्याज आप जानते हैं एलियम सेपा है, लिलिएसी फैमिली का है। किस फैमिली का है ये? ये है लिलिएसी फैमिली का है। और इनके जो ताजे रस में जीवाणुनाशक का गुण भी होता है। इसके ताजे रस में कौन सा गुण होता है दोस्त? इसके ताजे रस में वो होता है जीवाणुनाशक का गुण पाया जाता है एलियम सेपा में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, ये किस प्रकार की है? ये है सलकंद। ठीक है, बल्ब है। क्या है? बल्ब है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लहसुन, कौन सा लहसुन, अभी प्याज की बात किया, अब लहसुन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? ये देखिए, वो भी तना था, ये भी तना है। जो प्याज है, जो बल्ब है, वो भी तना है, और लहसुन भी क्या है? तना है। तो कह रहा है किस प्रकार का तना है? कह रहा है प्रकंद है कि घनकंद है कि कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। ठीक है, सलकंद बल्ब, यहां आ गया ना बल्ब, तो यह भी उसी श्रेणी का ही है। कौन? लहसुन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम इज गार्लिक। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार का तना है गार्लिक का, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका भी राइट आंसर है बल्ब है। क्या है? बल्ब है, अर्थात सलकंद है। ठीक है, सलकंद, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर है? सी नंबर। इसका नाम है एलियम सेटाइवम। ठीक है, एलियम सेटाइवम जो लहसुन होता है वो, देखिए प्याज जो है, प्याज का बॉटेनिकल नेम क्या है? एलियम सेपा था। प्याज का जो बोटेनिकल नेम था वो था एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सेपा ये प्याज था। और जो लहसुन है, लहसुन इसका नाम है एलियम सेटाइवम। क्या है दोस्त? एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। ठीक है, ये है क्या? ये है लहसुन। क्या है? लहसुन है। ठीक है, तो लहसुन को भी थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या है भाई ये, किसमें प्रयुक्त होता है? जो लहसुन है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मसाला में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है दोस्त? ये लहसुन आपका मसाला में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्पेरगस एक उदाहरण है। एस्पेरगस, एस्पेरगस, एस्पेरगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एस्पेरगस किसका उदाहरण है ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा है फिलोक्लेड का है कि, कह रहा है स्यूडो बल्ब का है कि विंगड स्टेम है कि क्लैडोड है। ठीक है, एस्पेरगस किसका उदाहरण है? ठीक है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ऐसे रुष्ट कल होना, ऐसे रुष्ट कल होना, आपसे मैंने बात किया था कि ऐसे रुष्ट कल होना। ठीक है, कल का मतलब क्लाइडोड और एस मतलब एस्पेरगस। ठीक है, एस्पेरगस क्या है, इसका जो उदाहरण है वो क्या है? क्लाइडोड है। ठीक है, एस्पेरगस एक उदाहरण है किसका है? पड़ांभ पर पर्व अर्थात क्लाइडोड का एक उदाहरण है। कौन? एस्पेरगस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अब एस्पेरगस है क्या, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि आखिर एस्पेरगस क्या है। देख लीजिए एस्पेरगस, ये है एस्पेरगस। ठीक है दोस्त, एस्पेरगस क्या है? एक साकी बहुवर्षी पौधा है। ये कैसा पौधा है? एक साकी और बहुवर्षी पौधा है। साकी और बहुवर्षी पौधा है। ठीक है, कैसा है? साकी और बहुवर्षीय पौधा है। ठीक है, और ये हरे रंग की आप देख रहे हैं सुई के समान होती है। कैसे? ये बिल्कुल कैसे हैं? हरे रंग है और बिल्कुल सुई के आकार के हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्त? अगले प्रश्न पर भी हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है। देखिए जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, वैसे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जो होते हैं पौधे, एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है? समानांतर होता है एक बीजपत्री पौधों में। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल गन्ना में देखा है, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा सभी में आपने देखा इस तरीके से बिल्कुल इसमें जो समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। कैसा होता है दोस्त? समानांतर सिरा विन्यास पा जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें तो जालिकावत होता है। कैसा होता है दोस्त? उनमें होता है जालिकावत। ठीक है, अब बिल्कुल इस तरीके से एकदम जाल जैसी संरचना बन ही जाती है। ठीक है, जाल जैसी संरचना बन जाती है, यह होता है जालिकावत सिरा विन्यास। ये द्विबीजपत्री पौधों का कैरेक्टर है। लेकिन यहां प्रश्न में क्या कह रहा है? जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पौधा, एक बीजपत्री पौधा जिनमें ऐसी पत्ती होती है
है, लेकिन एक बीजपत्री ऐसा कौन सा पौधा है जिनमें कैसा जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, वो कौन सा पौधा है? क्या स्माइलेक्स है कि कैलोफिलम है कि पैसी फ्लोरा है कि एंटीगोनान है? ठीक है, देख रहे हैं स्माइलेक्स, कैलोफाइलम कि पैसी फ्लोरा, एंटीगोनान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्माइलेक्स। कौन सा है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह है स्माइलेक्स। ठीक है, स्माइलेक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पत्रकंद एक रूपांतरण है, पत्रकंद अर्थात बल्बिल, बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन है? कह रहा है भूमिगत तने का है कि पत्तियों के आधारों का है कि कलिकाओं का है कि मूलांकुर का है, किसका है? बल्बिल एक मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम, बेसिस ऑफ लीव्स, रेड किल और बर्ड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, यह किसका रूपांतरण है? यह रूपांतरण है बर्ड्स का। ठीक है, बर्ड्स का रूपांतरण है, बल्बिल किसका रूपांतरण है दोस्त? यह रूपांतरण है बर्ड्स का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यह कलिकाओं का रूपांतरण है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो बल्बिल होता है वेजिटेटिव या फ्लोरल कलिकाओं का रूपांतरण होता है, वेजिटेटिव या फ्लोरल कलिकाओं का क्या होता है? यह रूपांतरण होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। जो बल्बिल होता है यह किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यह सहायक होता है। कौन? बल्बिल। ठीक है दोस्त, और भोजन को यह संग्रह करने से ही फूल जाता है। थोड़ा सा कैसे फूलता है मैं बताता हूं, देख लीजिए कैसे स्वेल कर जाता है। ठीक है, बर्ड्स इसकी जब ये जो बल्बिल से है स्वेल करके कैसे हो जाता है? कुछ इस तरीके से, आप देख रहे हैं भोजन को संग्रह करके इस तरीके से ये बिल्कुल फूल जाता है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहां पर ये देख रहे हैं ये संरचना बिल्कुल कैसे हो गया, फूल गया है। यहां पर देख रहे हैं ये संरचना क्या है दोस्त? बिल्कुल स्वेल कर गया है, एकदम बिल्कुल फूल ही गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बीटा बल्गेरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग होता है। बीटा बल्गेरिस क्या है? चुकंदर है। क्या है दोस्त? बीटा बल्गेरिस क्या है? यह है चुकंदर। ठीक है, क्या है? चुकंदर। कह रहा है चुकंदर का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग क्या होता है? कह रहा है पत्ती होती है कि तना होता है कि जड़ होती है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो बीटा बल्गेरिस चुकंदर आखिर इसका कौन सा भाग क्या उत्पन्न करता है? सुगर। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? सुगर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रूट। ठीक है, जड़ होती है। देखिए तीनों में विशेषता होती है, जो आप मूली बनाते हैं मूली में क्या है कि ऊपर भी थोड़ा सा इस तरीके से चलती है, ये है मूली। ठीक है, ऐसे। अब इसमें मूली में क्या होता है कि ऊपर पतला फिर बीच में मोटा फिर पतला। अब यही गाजर जो होती है ये एकदम बिल्कुल इस तरीके से होती है, कोनिकल होती है। कैसी होती है? कोनिकल होती है गाजर। अब जो चुकंदर होता है अचानक देखिए ये मोटा होता है बहुत ज़्यादा, अचानक ये पतला हो जाता है चुकंदर, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये हो जाता है चुकंदर। तो तीनों में आप देख रहे हैं बिल्कुल इनमें क्या है, बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। तो देख लिया जाए थोड़ा सा किसको, देखिए बीटा बल्गेरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग क्या होता है? रूट। थोड़ा सा देख लिया जाए इसको भी, आखिर बीटा बल्गेरिस कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है? तो ये है दोस्त बीटा बल्गेरिस, चुकंदर है ये। क्या है? चुकंदर है बीटा बल्गेरिस। इसमें जो शर्करा की मात्रा होती है 5 से 20% तक होती है। कितना होती है दोस्त? इसमें शर्करा की मात्रा कितना होती है? 5 से 20% तक क्या होती है? शर्करा अर्थात क्या? शुगर। ठीक है, क्या होती है? शुगर इसमें 5 से 20% तक होती है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहा है एक लाइना है, लाइना है, क्या है दोस्त? इसको थोड़ा देखिए, यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। कह रहा है काष्ठी साक है कि काष्ठी ऊपर रोही है कि छोटा वृक्ष है कि झाड़ी नुमा है, क्या है? ए लाइनास इज अ वुडी हर्ब है, वुडी क्लाइंबर है, अंडर श्रब है कि स्मॉल ट्री है। तो ये क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है लाइना क्या है? वुडी क्लाइंबर है। क्या है दोस्त? यह है वुडी क्लाइंबर, काष्ठी ऊपर रोही है। ठीक है, ये एक उडी क्लाइंबर है। कौन? लाइनास। देख लीजिए कैसा है उडी क्लाइंबर, है तो चढ़ने वाला है बिल्कुल ये। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये उडी क्लाइंबर है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पौधे पर ये क्या करता है? चढ़ता है, क्लाइंब करता है। ठीक है, उडी क्लाइंबर लाइनास। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर इट इज नोन एज, जब तना जो है मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? एक हरे पत्ती नुमा संरचना में जब ये मॉडिफाइड हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है
तब इसे क्या कहा जाता है? जब तना एक पत्ती जैसी हरी संरचना में मॉडिफाइड हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? कैरेक्टलाइड, फिलोक्लाइड कहा जाता है, फिलोड, टेंड्रिल कि बल्बिल क्या कहा जाता है? दोस्त हम आपको बता दें, जब स्टेम जो है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है तब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिलोक्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलोक्लाइड। चलिए देख लेते हैं इसके फिगर को, आखिर ये देखने में कैसा दिखता है। नागफनी तो आपने देखा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एकदम बिल्कुल चपटा हो जाता है, यह नागफनी है। क्या है दोस्त? नागफनी। इसमें बिल्कुल कांटे भी हैं, ये इसके बड्स अर्थात फ्लावर्स हैं। क्या है? ये बिल्कुल फ्लावर्स हैं, बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का भी कार्य भी यही करने लगता है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस का पूरा पूरा कार्य भी होता है इसी के द्वारा। ये तना है पत्ती नुमा संरचना में क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक, अर्थात देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एपोजियोट्रॉपिक नेचर। एपोजियोट्रॉपिक नेचर, देखिए मूल जो जड़ होती है, जड़ का गुण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किधर कार्य करता है? वो सीधे पृथ्वी की तरफ कार्य करता है, अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन जड़ों का ये धनात्मक गुण है, ठीक है। जड़ें भी उसी तरफ चलती हैं, लेकिन कौन सी जड़ ऐसी है जो गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत चलती है, उसे हम क्या कह देंगे? ऋणात्मक कह देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त? इसका देखिए कह रहा है ट्यूबरस रूट है, नॉर्मल रूट है कि नन ऑफ दीज है, कोरेरोइड रूट। तो जी बिल्कुल, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने उठा लिया है कहां से? बिल्कुल जिम्नोस्पर्म का, उसमें पाई जाती हैं कोरेरोइड रूट पाई जाती हैं, प्रवाह लाभ जड़ें होती हैं, आपने देखा था बिल्कुल साइकस में जैसे। तो यह क्या करती हैं? मृदा के ऊपर बिल्कुल कैसी होती हैं? एपोजियोट्रॉपिक कैरेक्टर्स को शो करती हैं, एपोजियोट्रॉपिक नेचर की होती हैं, अर्थात वो जो सामान्य जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं, लेकिन ये कोलेरॉइड रूट ऊपर आ जाती है डाइकोटोमस ब्रांच के साथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, प्रवालाभ जड़ें, ठीक है। कौन सा हो गया दोस्त? प्रवालाभ जड़ें। तो फिर से एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है दोस्त, हम आपको बता दें, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल। तो देख लीजिए, चलिए आज थोड़ा सा हम भी कहना चाहेंगे आपके लिए बिल्कुल, आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती पर सत सत नमन करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।